चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे, अपने घरों के अंदर होंगे। सो आप सभी को याद होगा कि हमने कल ही न्यू चैप्टर पढ़ना शुरू किया था, जो था हमारा चैप्टर नंबर 12। और आज हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 138, क्योंकि इससे पहले हमने 137 पेज तक कम्प्लीट कर लिया है। तो सभी बच्चे अपने बुक के अंदर 138 पेज को कम्प्लीट कर लेंगे। और जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो पहले पुरानी वीडियो को देखें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको बोला गया है नेम फाइव थिंग्स दैट वी यूजली बाय। आपने उन पांच चीजों के नाम लिखने हैं या बताने हैं जिनको हम यूजली ज्यादातर बाय करते हैं, जिसका मतलब है खरीदते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लिखोगे राइस। आपने यहाँ पे खुद से लिस्ट बनानी है जिन चीजों को आपको लगता है कि हम ज्यादातर खरीदते हैं। जैसे हो गया राइस, चावल जो है वो बहुत ज्यादा खाया जाता है इंडिया के अंदर और उसको हम खरीदते भी बहुत ज्यादा हैं। और आप कितना खरीदते हो आपको अपने घर की कैपेसिटी के हिसाब से पता होगा कि आप कितने लोग हो, तो आप उस हिसाब से खरीदते होंगे। तो सपोज कर लो कि मैंने 5 लिख दिया कि हम 5 किलोग्राम जो है वो खरीदते हैं। इसी तरह से अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं व्हीट। व्हीट का मतलब होता है गेहूं, तो गेहूं का फ्लोर आप बोल सकते हो व्हीट फ्लोर, मतलब गेहूं का आटा हम बहुत ज्यादा खरीदते हैं, उसको भी हम बहुत ज्यादा चपातियां सभी बच्चे खाते होंगे, तो मान लो कि वो हम 8 केजी लेते हैं। इसी तरह से आप जो बाकी चीजों की लिस्ट भी बना सकते हो, लाइक आप जो है वो टी खरीदते होंगे क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो चाय पीते हैं, इसको तो आप किलोग्राम की बजाय ग्राम में लिख सकते हो, या 1 केजी भी लिख सकते हो अगर आपके घर में बहुत ज्यादा यूज होती है, अगर आप एक बारी में इतना खरीदते हो तो वो लिख सकते हो। जो भी चीज यहाँ पे बाकी के दो आप खुद से सोच के लिखिए कि आप क्या ऐसी चीज है जिनको हम ज्यादातर खरीदते हैं। नेक्स्ट आपको बोला गया है विच इज हैवियर, कि इनमें से कौन सा भारी है। विच इज हैवियर, 1 किलोग्राम कॉटन और 1 किलोग्राम आयन। तो आपको बोले कि 1 किलो कॉटन और 1 किलो आयन में कौन सा वाला ज्यादा भारी है। तो इसमें ये तो पॉइंट आएगा नहीं कि कौन सबसे ज्यादा भारी है, क्यों? क्योंकि अगर दोनों चीजें 1 किलोग्राम और 1 किलोग्राम है तो वो दोनों के दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, समझ गए सभी बच्चे? चाहे लोहा हमें देखने में छोटा लग रहा है यहाँ पे, पर ये जो कॉटन बॉल है वो बहुत बड़ी लग रही है, पर दोनों कितने हैं, 1 केजी, 1 किलोग्राम ही हैं। ठीक है, तो ये दोनों का वेट जो है वो बराबर होगा, तो इनमें से कोई भी हैवी नहीं बोल सकते, दोनों का वेट बराबर होगा। ओके, देखो, सर शी थ्रू अ हैवी वाटरमेलन एट मी। तो ये जो लड़की है इसने क्या किया, इसके सिर के ऊपर वाटरमेलन, जिसको हम बोलते हैं तरबूज, फेंक दिया। तो ये अब सर से बता रहा है, तो सर बोलते हैं ही थ्रू अ 1 केजी पिल्लो ऑफ कॉटन, सो आई थ्रू अ 1 केजी वाटरमेलन। यस्टरडे यू सेड दैट द वेट ऑफ 1 केजी कॉटन एंड 1 केजी मेलन इज इक्वल। तो इसने बोला कि इसने मेरे ऊपर 1 केजी जो कॉटन का पिल्लो था वो फेंका, तो इसके लिए मैंने इसके ऊपर 1 केजी का वाटरमेलन फेंक दिया, क्योंकि आपने हमें पिछले कल, जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कि जो 1 केजी मेलन होगा या 1 केजी कॉटन होगी, दोनों का भार जो है वो बराबर होगा। ठीक है, सो यहाँ पे उसको चोट क्यों आई, भले ही दोनों का भार जो है वो बराबर है पर कॉटन सॉफ्ट होती है और जो वाटरमेलन है वो हार्ड होता है। ठीक है, इसकी वजह से उसको जो ज्यादा चोट लगी होगी जब उसके ऊपर वाटरमेलन गिरा होगा। तो आप खुद से भी समझ सकते हो, भार भले ही बराबर है पर उसकी जो स्टिफनेस है वो जो आयन की है या वाटरमेलन की है वो ज्यादा होगी। नेक्स्ट है डिंसन वेंट शॉपिंग। दिनशन वेंट टू अ शॉप एंड बाउट सम थिंग्स। तो यहाँ पे ये जो दिनशन है वो एक शॉप पे गया, दुकान के ऊपर गया और उसने कुछ चीजें खरीदी। हिज यंगर ब्रदर कट द एंड ऑफ द बिल वेयर द वेट वर रिटन। उसके भाई ने क्या किया कि जो आपको यहाँ पे पिक्चर में भी नजर आ रहा होगा, उसके भाई ने क्या किया कि एंड को कट कर दिया बिल के, जहां पर वेट लिखा होता है कि कौन कितना केजी है। सो गेस द राइट, गेस एंड राइट द वेट ऑफ ईच थिंग ही वाउट इन ग्राम और किलोग्राम। आपको बोला गया कि ये जो चीजें हैं, जैसे इन्होंने, इसने ये जो लिखा हुआ नंबर तो पता है पर ये ग्राम में है या किलोग्राम में है ये नहीं पता है। तो आपको बोला कि आपने गेस करना है और लिखना है यहाँ पे कि ये किलोग्राम में होगा या ग्राम में होगा। तो यहाँ पे आपका कॉमन सेंस कितना वर्क करता है ये हम आजमाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया राइस, राइस का मतलब क्या होता है, चावल। अब उसने 5 लिए हैं, अब मुझे बताओ केजी किलोग्राम लिए होंगे या ग्राम लिए होंगे। आप सभी को पता है कि 1000 ग्राम मिलके कहीं 1 किलोग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो ग्राम बहुत ही छोटा आप बोल सकते हो कि बहुत ही कम होता है, तो 1 किलो
अब चावल के कोई 5 ग्राम चावल तो लेके नहीं आएगा, 5 ग्राम चावल आप समझ लो कि 20 दाने होंगे उसमें कहीं जाके चावल के, तो इतने से में कुछ नहीं होता, तो उसने के अलावा 5 किलोग्राम लाया होगा, ठीक है। अब शुगर है वो भी 1 किलोग्राम लाई होगी, ग्राम में कोई शुगर नहीं लेता है, 1 ग्राम शुगर का मतलब 5 चीनी के दाने, उससे कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। मस्टर्ड सीड, अब मस्टर्ड की सीड आप बोल सकते हो कि उसने जो वो 10 ग्राम लिए होंगे, क्योंकि मस्टर्ड की सीड की हमें इतनी जरूरत भी नहीं पड़ती है और वो उतने ज्यादा होते भी नहीं है। अच्छा, पर 10 ग्राम भी काफी कम होगा, आप इसको किलोग्राम में ही लिखिए, ठीक है। फिर वीट, वीट आपको पता है 3 3 ग्राम तो नहीं ली होगी, वो भी 3 किलोग्राम होगी। दाल 500 ग्राम होगी, अगर वो 500 किलो दाल ले लेगा ना तो वो इतनी हो जाएगी जिससे आपका पूरा विलेज खाना खा सकता है, तो 500 वो ग्राम में आएगी, यानी कि आधा के जी, इसका मतलब समझो टी 250 ग्राम होगी, क्योंकि इतनी ज्यादा भी चाय पत्ती का इस्तेमाल नहीं होता है। पेपर, पेपर जिसको हम बोलते हैं काली मिर्च, वो भी ग्राम में होगी ना कि किलोग्राम में, क्योंकि काली मिर्च को आप 25 किलो लेके क्या करोगे उसका, ठीक है। नेक्स्ट है कार एंड ट्रैक्टर, रितु इज वेइंग हर ट्वाइस, शी वॉन्ट टू नो इफ हर ट्रैक्टर इज हैवियर देन हर कार। तो यहाँ पे जो लड़की है इसका नाम है रितु, और ये जो है वो अपने ट्वाइस को, अपने खिलौनों को वेट कर रही है, क्योंकि वो ये जानना चाहती है कि उसके खिलौनों में जो उसका ट्रैक्टर है और वो ज्यादा भारी है, ये जो उसके पास कार है वो ज्यादा भारी है। आगे बोले हाउ वुड यू हेल्प हर टू फाइंड आउट क्विकली, तो आप बोले कि आप उसकी कैसे मदद कर सकते हो जल्दी से ये पता करने में। सो गेस विच इज हैवीएस्ट, अ रियल कार, अ बस और अ ट्रैक्टर, तो आपको बोला गया कि रियलिटी में आप गेस कीजिए कि एक कार ज्यादा भारी होगी या एक बस ज्यादा भारी होगी या फिर एक ट्रैक्टर ज्यादा भारी होगा। विच इज द हैवीएस्ट थिंग यू हैव सीन, तो ये आपने सभी ने कमेंट करके मुझे आंसर बताना है कि आपको क्या लगता है कौन सी चीज ज्यादा भारी होगी, एक ट्रैक्टर ज्यादा भारी होगा या एक बस ज्यादा भारी होगी या एक कार ज्यादा भारी होगी। फॉर माई पॉइंट ऑफ व्यू एक बस जो है वो बहुत भारी होगी, हालांकि ट्रैक्टर भी काफी ज्यादा भारी होता है, पर एक बस बहुत लंबी बहुत बड़ी होती है, तो हम कंपैरिजन के हिसाब से बोल सकते हैं कि जो बस है वो ट्रैक्टर से ज्यादा भारी होगी, ठीक है। एंड विच इज द हैवीएस्ट थिंग यू हैव सीन, और इनमें से सबसे ज्यादा भारी चीज आपने क्या देखी हुई अभी तक, क्या आपने ट्रैक्टर देखा है, तो जो भी ये तीन चीजें आपके पास, कार है, बस है, ट्रैक्टर है, अगर आपने जो सबसे भारी चीज इनमें से देखी है वो आपने यहाँ पे लिखना है। अच्छा, यहाँ पे रितु क्या कर रही है, इफ आई पुट टू कार्स विल द ट्रैक्टर स्टिल बी हैवियर, उसने बोला कि क्या मैं अगर दो कार को यहाँ पे डाल दूंगी तो क्या फिर भी ट्रैक्टर भी हैवियर होगा। अगर आप इसका बैलेंस देख रहे होगे इसको, तो आप देख रहे हो कि वो इस तरफ को झुका हुआ है, क्यों, क्योंकि ट्रैक्टर का वजन ज्यादा है, तो बोल रही कि मैं एक और कार अगर यहाँ पे रख दूंगी तो क्या फिर भी ट्रैक्टर जो वो भारी होगा या नहीं होगा, तो आप खुद भी एक्सपेरिमेंट करके घर में कोशिश करके पता कर सकते हो, अगर रखोगे तो फिर दोनों ट्रैक्टर और कार का वजन एक बराबर हो जाएगा, ठीक है। आगे है एलिफेंट्स वेट, मतलब कि हाथी का भार, वंस अ किंग हैड पेन इन हिज स्टमक, नन ऑफ द पैलेस डॉक्टर कुड क्योर हिज पेन, तो यहाँ पे ये जो है ये एक पैलेस, पैलेस का मतलब होता है महल, एक जो राजा था जिसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द थी स्टमक के अंदर, और कोई भी ऐसा महल के अंदर डॉक्टर नहीं था जो उनके दर्द को ठीक कर पाए, ठीक है। तो बोले ओ नो आई कैन नॉट बियर दिस पेन, बोले कि मैं अब और इस पेन को सहन नहीं कर सकता हूँ। द किंग देन सेड, फिर किंग ने कहा एनी वन हु क्योर्स माई पेन विल गेट गोल्ड इक्वल टू द वेट ऑफ एन एलिफेंट, तो किंग ने बोला कि जो भी मेरे पेट के जो पेन है उसको ठीक करेगा मैं उसको उतना गोल्ड दूंगा, मतलब उतना सोना दूंगा जितना कि एक एलिफेंट यानी कि एक हाथी का वेट होता है। फिर क्या हुआ, ऑन हियरिंग दिस, ये सुन के डॉक्टर फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री केम, पूरे कंट्री के जो डॉक्टर थे वो आ गए वहां पे, बट ओनली डॉक्टर वेदिका कुड क्योर हिम, जो डॉक्टर वेदिका हैं आपको यहाँ पे पिक्चर में भी नजर आ रही हैं वही उन्हें ठीक कर पाई, ठीक है। तो राजा बोलते हैं ओ ग्रेट माई पेन हैज गॉन थैंक यू डॉक्टर वेदिका, तो जो किंग है वो बोलता है कि वो ग्रेट मतलब मेरा, अब वो बोल रहा है कि माई पेन हैज गॉन कि मेरा पेन मतलब मेरे दर्द जो वो चला गया, अब उनको थैंक यू कर रहा है। तो ये यहाँ पे डॉक्टर बोले सो कैन आई हैव माई रिवॉर्ड नाउ सर, बोलती तो क्या अब मुझे मेरा रिवॉर्ड मतलब मुझे मेरा इनाम मिल सकता है। सो किंग बोलता है ओके फर्स्ट फाइंड द वेट ऑफ एन एलिफेंट देन आई विल गिव यू दैट मच गोल्ड, तो राजा ने बोला ठीक है तो आप पहले एक हाथी का वजन करके आओ, ठीक है, फिर मैं आपको उतना गोल्ड दे दूंगा। बट द ग्रीडी किंग डिडंट वॉन्ट टू गिव हर गोल्ड सो शी थॉट ऑफ अ ट्रिक, तो उसने वो जो था वो उसको
नहीं देना चाहता, वो लालची किंग था तो वो उसको पैसे नहीं देना चाहता, इसलिए उसने ये बोला उसको कि तुम पहले एक हाथी का वेट पता करके आओ, फिर मैं तुम्हें उतना गोल्ड दे दूंगा, ठीक है। सो वेदिका वॉज अनहैप्पी वेन शी रीच्ड होम, शी टोल्ड हर डॉटर द होल स्टोरी। तो वेदिका जो थी, डॉक्टर वेदिका, वो बहुत ज्यादा अनहैप्पी, मतलब कि दुखी थी, खुश नहीं थी, और वो घर आके अपनी डॉटर को, जो उनकी बेटी थी, उनको सारी स्टोरी बताती है। तो इसे बोला, तो डॉक्टर वेदिका बोल रहे हैं, हाउ कैन आई वे एन एलिफेंट, वेयर विल आई गेट सच अ बिग बैलेंस। उसने बोला कि मैं इतना भारी एलिफेंट जो हूँ, उसको मैं एक एलिफेंट को कैसे वे कर सकती हूँ, कैसे उसका भार पता कर सकती हूँ, क्योंकि उसका जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता, इतना बड़ा मैं बैलेंस लेके कहाँ से आऊंगी, मतलब इतना बड़ा तराजू मैं कहाँ से लेके आऊंगी। तो बोलती है, तो ये इसकी बेटी बोलती है, डोंट वरी माँ, आई हैव एन आइडिया, टेल द किंग टू अरेंज एन एलिफेंट एंड अ बिग बोर्ड। तो जो लड़की है वो बोल रही है कि मॉम आप मतलब टेंशन मत लो, कि मेरे पास एक आइडिया है, आप राजा को बोलो कि एक एलिफेंट और एक बड़ी सी बोर्ड का इंतजाम करें। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर वेदिका इनवाइटेड द किंग नियर अ रिवर। तो आप सभी को आई होप मजा आ रहा होगा इस स्टोरी को जानने में कि कैसे उसने जो है वो एक हाथी का वेट किया, ठीक है। तो अगले सुबह क्या हुआ कि डॉक्टर वेदिका ने किंग को इनवाइट किया एक नियर अ रिवर, मतलब नदी के नजदीक। द किंग केम विद एन एलिफेंट एंड बिग बोट। तो किंग जो है वो एक हाथी और एक बड़ी सी बोट के साथ आ गया। आई थिंक शी इज अ फूल, हाउ विल शी वे एन एलिफेंट विद द वोट। तो राजा यहाँ पे सोच रहा है कि वो मूर्ख है, कि वो एक हाथी को एक वोट के साथ कैसे वेट कर सकती है, ठीक है। फिर क्या हुआ, वेदिकाज डॉटर वेंट इन टू द रिवर, शी मार्क्ड ऑन बोट हाउ मच इट सैंक इन द रिवर, ठीक है। तो उसने क्या किया कि जो उसकी बेटी थी वेदिका की, वो रिवर के अंदर गई और उसने मार्क लगा दिया बोट के ऊपर, यहाँ जैसे कि कितना वो पानी के अंदर जा रही है बोट, ठीक है, हाउ मच इट सैंक इन द रिवर। देन शी आस्क देम टू ब्रिंग द एलिफेंट इन टू द बोट। फिर उसने उनको पूछा कि वो एलिफेंट को वोट के अंदर लेके आए, ठीक है। द वोट सैंक डीपर। अब जो वोट है वो धीरे धीरे नीचे जाने लगी, मतलब और वो नीचे नीचे सिंक होने लगी, नीचे नीचे जाने लगी, ठीक है। सो शी मार्क द न्यू वाटर लेवल ऑन द बोट। तो उसने अब वाटर लेवल, अब जहां तक वो धस गई वहां पे उसने निशान लगा दिया, ठीक है, समझ गए सभी बच्चे। अब देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर में नजर आती है, हाथी है, जैसे उन्होंने उसको इसमें लिया, अब उसने यहाँ तक यहाँ पे निशान लगा दिया, ठीक है। नाउ इमेजिन वट हैपन्ड नेक्स्ट एंड कम्प्लीट द स्टोरी, डिस्कस विद योर फ्रेंड हाउ वेदिकाज डॉटर फाउंड द वेट ऑफ द एलिफेंट। अब आपको बोला गया है कि इमेजिन करो कि इसके बाद क्या हुआ होगा और कंप्लीट स्टोरी क्या होगी, और आपको बोले कि आपने अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है कि वेदिका की जो डॉटर थी, जो वेदिका की बेटी थी, उसने कैसे एलिफेंट का वेट फाइंड आउट किया, ठीक है। तो ये अब आपको मुझे बताना है कि कैसे उसने जो था वो वेट फाइंड आउट किया होगा। तो जैसे ही अब क्या हुआ होगा कि जैसे हाथी उस बोट के ऊपर चढ़ा होगा, तो वेदिका ने क्या किया, उस पे निशान लगा लिया ना, उसके बाद हाथी को जो बोट थी उससे निकाल दिया होगा, उसके बाद वो जो जो निशान उसने लगाया था वो फिर से उसी जगह पे आ गया। अब बोट ऊपर आ जाएगी ना, अब बोट अपनी जगह आ जाएगी जहां पे पहले थी। फिर क्या करेंगे हम, उसके अंदर बड़े बड़े पत्थर डाल देंगे ताकि जो नौ जो हमारी बोट है उसके ऊपर जो निशान है वहां तक वो फिर से डूब जाए। इसके बाद हम उन पत्थरों का वेट कर सकते हैं और उससे मदद से हमें वेट का पता चल जाएगा कि उसका वेट कितना है। समझ रहे हो सभी बच्चे, देखो हमने यहाँ पे क्या किया था कि जैसे ही उसने हाथी अंदर डाला तो उसने निशान लगा लिया यहां तक, ठीक है, और उससे पहले जो वोट का निशान था वो कहां तक था, यहां तक था, मतलब यहां से लेके वो यहां तक पहुंच गया। समझ गए सभी बच्चे। फिर जैसे उसके बाद हमने क्या किया, हमने एलिफेंट को, हाथी को फिर से बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब जैसे आप बाहर निकालोगे तो फिर से वोट ऊपर आ जाएगी, ठीक है, अब ये निशान फिर से ऊपर तक आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे स्टोन यानी कि पत्थर डाल देंगे बड़े बड़े से। अब एक एक पत्थर को तो आप फिर अलग से वेट कर सकते हो ना। अब आपने पत्थर डाला, तब तक पत्थर डाल देंगे जब तक ये जो निशान है वो यहाँ तक, मतलब जब तक आपकी बोट उतनी नहीं धस जाती है जितनी कि एक हाथी को डालने के बाद धसी थी। और फिर आप उन पत्थरों को एक बैलेंस लेके उसके ऊपर धीरे धीरे से एक एक पत्थर को रख के वेट कर सकते हो। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि हाथी का वेट कितना है। तो आपको पता लगा कि वेदिका की डॉटर कितनी समझदार है। समझ गए सभी बच्चे।
तो मैं एंड में आपको इसकी सारी इंग्लिश में स्टेटमेंट लिख के दे दूंगी। आई होप अभी आपको समझ आया होगा। तो हम पहले नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर एंड में मैं आपको आंसर दिखा दूंगी लिख के, ठीक है, कि आपने कैसे आंसर करना है, स्टोरी को कैसे इंग्लिश में लिखना है। नेक्स्ट है हाउ मच द चेयर वेट, कि एक चेयर जो वो कितना वे कर सकती है, कितना उसका भार हो सकता है। सो अनामिका वॉन्ट टू वे दिस चेयर यूजिंग द वेइंग मशीन, कि ये जो मापने की मशीन है, मतलब भार को मापने की मशीन है, इसकी मदद से जो अनामिका है वो इस चेयर को वेट को मापना चाहती थी, ठीक है। सो आगे बोला गया कैन यू सुजेस्ट अ वे फॉर डूइंग दिस, कि आप कोई वे कोई तरीका सुजेस्ट कर सकते हो उसको इसको नापने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि कैसे वो जो है वो इसको कर सकते हो। जैसे आपने वो देखा ना, ये जो हमने हाथी वाली स्टोरी की, उसी तरह से जो है वो इसमें भी हम कोशिश कर सकते हैं, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी रखोगे ना तो भी हम इसका वेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है ब्रोकन स्टोन, अब्दू सेल्स फायरवुड, ठीक है। ये जो लड़का है ये जो है वो फायरवुड, मतलब कि जो जलने की लकड़ियां हैं, जलाने की लकड़ियां, उनको वो बेचता था। देर वॉज अ स्टोन इन हिज शॉप विच वेट 13 kg, उसकी दुकान में एक स्टोन था जिसका वेट कितना था, 13 kg था। ही यूज इट टू वेट द फायरवुड, वो जो है इस स्टोन का इस्तेमाल करता था इन सभी लकड़ियों को वेट करने के लिए। वन डे द स्टोन फेल डाउन एंड ब्रोकन इंटू 3 pieces, एक दिन क्या हुआ कि ये जो पत्थर है जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है वो नीचे गिर गया और वो 3 pieces के अंदर टूट गया। विच वेट 2 kg, 5 kg एंड 6 kg, और जिसका वेट कितना था उन पत्थरों का, एक का 2 किलो का था, एक का 6 kg का था और एक का 5 kg का था, ठीक है। हमें लग गया है बट अब्दू वॉज वेरी स्मार्ट, वो जो था बहुत ज्यादा स्मार्ट था। ही यूज दोज 3 pieces टू वेट फायरवुड ऑफ ऑल द वेट फ्रॉम 1 kg टू 9 kg, उसने उन्हीं 3 पत्थरों की मदद से 1 kg से लेके 9 kg तक की जो लकड़ियां थी आग जलाने वाली उनका वेट कर लिया। हेयर इज हाउ अब्दू वेट 1 kg ऑफ फायरवुड, उसने बोला कि इस तरह से उसने जो है वो वेट किया 1 किलो लकड़ी का। देखो उसके पास थे तो 5 pieces, एक था 5 kg का, एक था 6 kg का और एक था 2 kg का। आप सोचो उसने 1 किलो कैसे किया होगा, सोचो सभी बच्चे। देखो द वेट ऑफ दिस बंडल इज 1 kg, उसने बोला कि इस बंडल का जो वेट है वो 1 kg, कैसे उसने एक तरफ जो है वो 6 किलो वाला जो पीस था पत्थर का वो रखा, ठीक है, ये है 6 kg का, और एक तरफ को उसने लकड़ियां रखी और साथ में पांच, उसने पहले क्या किया 5 किलो वाला पत्थर रखा। अब ये 1 किलो ही कम है ना 6 से, आपको समझ रहे हो आप, एक तरफ को उसने रख दिया 6 किलो वाला पत्थर, ठीक है, और एक तरफ को उसने रख दिया 5 किलो वाला पत्थर। अब 5 और 6 के बीच में कितना अंतर है, 1 kg का अंतर है, और उस 1 kg को पूरा करने के लिए उसने यहाँ पे रख दी लकड़ियां, ठीक है। अब जैसे ही ये जो बैलेंस है वो बराबर होगा, मतलब कि हमने उसमें इतनी लकड़ियां डाल दी हैं कि वो 1 kg हो गई है, तो इससे हमें इन लकड़ियों का वेट पता लग गया, ठीक है। सम्मान लो कि ये आपके पास एक बैलेंस है, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे पैन लगे हुए हैं इसमें अंदर, ठीक है। मान लो कि आपने इस तरफ रखी हुई है 10 चॉकलेट और इस तरफ आपने रख दी है आपके, इस तरफ आपने 10 चॉकलेट रख दी, इस तरफ आपने 5 चॉकलेट रख दी है। अब आपको यहाँ पे और कितनी डालनी है कि ये जो है वो 10 के बराबर हो जाए, आप 5 और चॉकलेट डाल दोगे, मतलब कि आपने यहाँ पे 5 और चॉकलेट डाल दिया, आपको ये पता लग गया। उसी तरह से यहाँ पे इस तरफ को 6 kg का था, यहाँ पे 5 kg का था, अब 6 kg तक करने के लिए आपने इसमें 1 किलो और डाला, आपको पता लग गया कितना डाला आपने, 1 kg डाला। और यहाँ पे उसने वही किया, इसने 1 kg लकड़ियां यहाँ पे डाली, तो उसको यहाँ से वेट पता लग गया कि ये जो है वो 1 kg की लकड़ियां हैं, ठीक है। अब आपको बोला गया है नाउ यू शो हाउ अब्दू विल यूज दी स्टोन पेसेस टू वे 5 kg, 6 kg, टू वे ऑल दिस, इतने इन इतनी किलो की लकड़ियों को वेट करने के लिए उसने किस तरह से इन पत्थरों का इस्तेमाल किया होगा, अब आप लोग बताओगे, ठीक है। तो बताओ मुझे उसने कैसे किया होगा। तो सबसे पहले हमारे पास 4 kg का, ठीक है, अब 4 kg के लिए उसके पास आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे कि कोई भी ऐसा पत्थर नहीं है जो कि 4 kg का, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं 6 kg वाले अपने पत्थर को डाल देते हैं और इस तरफ को हम अपने 2 kg वाले पत्थर को डाल देते हैं, ठीक है। अब देखो अब इन दोनों में कितना आपको कितना यहाँ डालना पड़ेगा कि ये भी 6 kg हो जाए, कितना डालना पड़ेगा, कितना होगा, 6 में से 2 माइनस करो, कितने होते हैं 4, आपको 4 kg डालना पड़ेगा ना, तभी ये दोनों बराबर होंगे। और आपको मैंने शुरू से बताया है कि जब ये एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं दोनों परडे, मतलब जितना सामान इस वाले पैन में है उतना ही सामान इस वाले पैन में है, ठीक है।
तो अब यहाँ पे वो लकड़ियों को डालता जाएगा डालता जाएगा डालता जाएगा डालता जाएगा, और जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब यहाँ से ये जो तराजू है वो बराबर हो जाएगा, मतलब कि उसने कितनी लकड़ियां डाल चुका है, वो 4 kg डाल चुका है, तभी यहाँ पे 4 + 2 मिला के 6 kg हुआ ना, तभी ये बैलेंस बराबर होगा, समझ गए? तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आप जब लिखो अपनी कॉपी के ऊपर तो वैसे ही लिख लो, ठीक है? ऐसे नहीं, जो मैं तो आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रही थी, अदरवाइज आपने कैसे करना है, देखो यहाँ पे आपने लिख देना है 6 kg का स्टोन बनाना है, फिर आपने यहाँ पे 2 kg का स्टोन बनाना है, और फिर आपने यहाँ पे छोटी छोटी सी लकड़ियां ड्रॉ करनी है, और जिनका वेट आपने लिख देना है 4 kg, समझ गए? उसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है 3 kg ऑफ फायरवुड। अब 3 किलो फायरवुड के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसी तरह से यहाँ पे हम डाल लेते हैं 5 kg वाला अपना स्टोन, ठीक है, और यहाँ पे हम डाल लेते हैं अपना 2 kg वाला स्टोन। अब 5 हमें कितनी और डालनी पड़ेगी कि यहाँ पे भी 5 kg हो जाए, 3 kg है ना और डालनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हम जो है वो और जो है वो वुड ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है, और वुड रखते जाएंगे फायरवुड, ठीक है, और ये कितनी होगी 3 kg हम डाल दी, समझ के? तो इस तरह से उसने वेट निकाल लिया कि यहाँ पर 3 किलो है, समझ गए? क्योंकि 3 + 2 हमारे पास हो गए 5, यहाँ पे भी 5 है, इस तरफ आपने 5 किलो का बट्टा रखा हुआ है, 5 किलो का पत्थर रखा हुआ है। अब 5 किलो और 5 किलो का आपको तो लग रहा होगा इस तरफ को भी 5 किलो हो गया, तो ये भी देखिए ना, आपकी 2 किलो का तो पत्थर ही है, बाकी के 3 किलो हमारे पास क्या है, लकड़ी है, समझ गए? उसी तरह से 7 kg ऑफ फायरवुड। अब 7 किलो आपको फायरवुड चाहिए, हम कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, ये तो बहुत आसान है, हम इस तरफ को 5 kg का भी और 2 kg का भी दोनों स्टोन यहाँ पे रख देंगे, और 5 + 2 कितने होते हैं, दोनों मिला के एक तरफ हो गए 7 kg, और यहाँ पे आप जो वुड रखते जाइए रखते जाइए, और जब ये दोनों पलड़े बराबर हो जाएंगे, दोनों पैन बराबर हो जाएंगे, तो इस तरफ को भी 7 kg वुड हो जाएगी। तो इस तरह से हम जो है वो वेट निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस, ठीक है, मतलब कि डाकघर। हैव यू एवर बीन पोस्ट, हैव यू एवर बीन टू अ पोस्ट ऑफिस, तो आप कभी गए हो पोस्ट ऑफिस के लिए, अगर यस तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। व्हाट डिफरेंट थिंग डू पीपल गो देयर फॉर, तो क्या अलग अलग काम के लिए लोग वहां पे जाते हैं, तो क्यों जाते हैं पोस्ट ऑफिस? जनरली लोग जो है अपना पार्सल देने के लिए जाते हैं, या अपना कोई लेटर है वो देने के लिए जाते हैं, या फिर वहां से कुछ आपके लिए लेटर आया है, वैसे तो डाकघर से आ जाता है, कई बार आप खुद भी जाते हैं, उस सब चीजों के लिए जाते हैं, ठीक है। हाउ मच डज अ पोस्ट कार्ड कॉस्ट, एक पोस्ट कार्ड होता है, जब भी आप कोई चीज कहीं भेजनी होती है तो उसके ऊपर एक पोस्ट कार्ड लगता है, तो आपसे पूछा गया है कि एक पोस्ट कार्ड की कीमत कितनी होती है, तो वो जनरली होती है 50 पैसे, ठीक है, आपको नजर आ रहा है। नेक्स्ट है हाउ मच डज एन इनलैंड लेटर कॉस्ट, जो इनलैंड लेटर होता है उसकी कॉस्ट कितनी होती है, तो वो होती है 2.50 रुपीज, ठीक है, इतनी रुपीज उनकी उसकी कॉस्ट होती है, ठीक है, आप सभी बच्चों को नजर आ रहा होगा। और ये है डिफरेंट पोस्टल रेट्स, यह है पोस्टल रेट्स, पोस्टल आइटम, जैसे अगर सिंगल पोस्ट कार्ड लेना है तो आपको यहाँ पे लिखा है 50 पैसे का, वो आपको मिलेगा। प्रिंटेड अगर आपने पोस्ट कार्ड लेना है तो आपको 6 रुपीज का मिलेगा। अगर आपने इनलैंड लेटर लेना है तो आपको 2 रुपीज एंड 50 पैसे, आपको मैंने सिखाया कैसे पढ़ते हैं, ये जो है वो 2 रुपीज होते हैं और इस तरफ वाले 50 पैसे होते हैं। लेटर वेइंग 20 ग्राम और लेस, वेट के हिसाब से भी उनका प्राइस होता है। अगर कोई 20 ग्राम है, अगर कोई 20 ग्राम है या उससे कम है तो उसके लिए आपको 5 रुपए देने पड़ेंगे, और फॉर एवरी एडिशनल 20 ग्राम, और जितना जितना आपका बढ़ता जाएगा, जैसे मान लो 20 ग्राम का है, अगर आप उसमें जितना जितना 20 ग्राम और बढ़ता जाएगा तो आपको 2 रुपीज और उसके लिए देने पड़ेंगे। आगे है पार्सल वेट, अगर 50 ग्राम और उससे कम है तो आपको 5 रुपए देने पड़ेंगे, और जैसे जैसे और 50 ग्राम बढ़ते बढ़ते आपको 3 रुपए उसमें और एड करते जाना पड़ेगा, ठीक है। So that's all for today. So here is the answer कि क्या आगे की स्टोरी थी। तो यहाँ पे मैं लिख दिया कि एलिफेंट को रिमूव कर दिया वोट से आफ्टर मार्किंग द लेवल ऑन द वोट, एंड देन वेदिकाज डॉटर रिक्वेस्टेड द किंग टू पुट लास्ट स्टोन्स इन साइड द बोट टिल द वाटर लेवल मार्क वेन द एलिफेंट वॉज ऑन बोट, एंड देन दे वे द स्टोन्स एंड गेट द वेट ऑफ द एलिफेंट। सो ये मैंने यहाँ पे इंग्लिश में आपको स्टेटमेंट्स लिख के दे दिए, तो यहाँ से आप आंसर लिख सकते हो। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि आपने यहाँ पे एक अच्छी सी स्टोरी भी जानी है। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आगे सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपका कोई भी भाई बहन क्लास 3rd में है तो आप उन्हें हमारी पुरानी वीडियोस को रिकमेंड कर सकते हो, ताकि वो जिसमें हमने हिंदी इंग्लिश साइंस सब सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हैं। थैंक यू।